मोदी सरकार की अपनी दूसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से आज मन की बात की। चार महीने के अंतराल के बाद पीएम मोदी रेडियो के कार्यक्रम में एक बार फिर जनता से सीधे जुड़े। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली मन की बात है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच मन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला जारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात देश और समाज के लिए आईने की तरह है। ये हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने जल संकट समेत कई अन्य मुद्दों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की। इंदौर नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बाद सुर्खियों में आया आकाश विजयवर्गीय को आज रिहा कर दिया गया है। आकाश विजयवर्गीय को लगातार चौथी रात जेल में गुजारनी पड़ी। आकाश को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। बीजेपी समर्थकों ने आकाश विजयवर्गीय के कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े की थाप पर नाचकर खुशी का इजहार किया। गुजरात में 3,000 करोड़ की लागत से बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दर्शक गैलरी में बारिश का पानी घुस गया। इस बीच किसी पर्यटक ने फर्श पर फैले पानी और छत से पानी टपकने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि 135 मीटर ऊंची इस गैलरी के सामने ग्रिल लगा है, जिससे भारी बारिश के दौरान तेज हवा के साथ पानी घुस जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वालों ने इस स्थिति पर निराशा प्रकट की। नर्मदा जिले के केवड़िया में 182 मीटर लंबी सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर संसद में शपथ लेने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। देवबंद के धर्मगुरुओं ने ये फतवा जारी किया। इस मामले पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने मुस्लिम धर्मगुरुओं पर जमकर हमला बोला। नुसरत ने 19 जून को कारोबारी निखिल जैन से तुर्की में शादी की थी। वो पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद चुनी गई हैं। कानून व्यवस्था पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, इसी इंग्लैंड में बैठ कर देते हैं बयान ताकि हेडलाइन में बने रहे। जम्मू बेस कैंप से आज सुबह 4:30 बजे अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। बम भोले के नारों के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जम्मू कश्मीर राज्यपाल सत्यपाल पाल मलिक के सलाहकार के शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को किया रवाना। यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए रखी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ चादरो इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। वहीं इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की खबर है। फिलहाल दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के गोंडा में एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिंचाई विभाग के सामने रोड पर एक लड़की हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। ज्योति दुबे नाम की ये लड़की बीजेपी विधायक विनय द्विवेदी उर्फ मुन्ना द्विवेदी के आवास पर उनसे मिलने आई। विधायक के मौजूद ना होने पर लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश विनोद को गिरफ्तार कर लिया। देर रात डिबाई इलाके में पुलिस और बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश विनोद के पैर में गोली मारी, जिसके बाद वो घायल हो गया। घायल बदमाश को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनामी बदमाश से पिस्टल, बाइक और कई कारतूस बरामद किए हैं। गुरुग्राम के डे केयर सेंटर में 2 बच्चियों से दरिंदगी की गई और इस हैवानियत को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि डे केयर सेंटर की संचालिका के 14 साल के बेटे ने ही अंजाम दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के एक डे केयर सेंटर में 14 साल के लड़के ने मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। बच्चियों ने अपनी आपबीती घर जाकर अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सुधार गृह भेज दिया है। सीतापुर में एक इस्लामिक स्कूल में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित नाबालिग ने खुद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहा कि नाबालिग लड़की ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि सदरपुर स्थित इस्लामिया स्कूल के अंदर उसके साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। शनिवार को भी दिनभर बारिश जारी रही। भारी बारिश से निचले इलाकों में जगह में जलभराव हो गया।
जलभराव की वजह से मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर बारिश का ज्यादा असर नहीं दिख रहा, सभी लोकल ट्रेनें अपने समय से चल रही हैं। वहीं मुंबई के गोरेगांव उपनगर में एक नाबालिग लड़की सहित परिवार के चार लोग बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिससे तीन लोग मारे गए और एक अन्य घायल है। इसके अलावा बारिश की वजह से पांच लोगों के घायल होने की भी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से सैन्य क्षेत्र से मुलाकात की। इसके बाद किम जोंग उन के साथ डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की सरजमीं पर कदम रखे। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन की व्हाइट हाउस में आकर न्यौता दिया। इस दौरान ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तारीफ की। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय के बाद ट्रेड वॉर समाप्त होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने का फैसला लिया। एमजी हेक्टर भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी है। इस कार को 12.18 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में आज विश्व कप 2019 का महामुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में जीत हासिल कर भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड भी हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है ताकि वह सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहे। भारत के क्रिकेट प्रेमी इस मैच में भारत की जीत के लिए हवन और पूजन में लगे हैं। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया के बैनर और पोस्टर के साथ हवन किया और इस टीम इंडिया के लिए जीत की दुआ मांगी। वहीं वाराणसी में हवन पूजन किया गया और लोगों ने भगवान से जीत के लिए दुआ मांगा। शिवनगरी के लोगों को भारतीय क्रिकेट टीम से काफी उम्मीद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले को पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान अपने सेमीफाइनल की राह आसान की है। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में टीम इंडिया की जर्सी को लेकर सस्पेंस खत्म। बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये जर्सी नीले और नारंगी रंग की होगी। शुक्रवार को रिलीज हुई आर्टिकल 15 ने पहले दिन 5.02 करोड़ से ओपनिंग ली है। आयुष्मान खुराना की दूसरी श्रेष्ठ ओपनिंग है मानी जा रही है। फिल्म आर्टिकल 15 को लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस फिल्म में दिखाए जाने के विरोध में कई ब्राह्मण संगठनों ने देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल, यूपी, कानपुर सहित कई जगहों पर फिल्मों के लिए विरोध किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि इस फिल्म में ब्राह्मण समाज का एक निगेटिव फैक्टर के तौर पर दिखाया गया है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के एक्शन सीक्वेंस फिल्माने का काम पूरा होने के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में अक्षय फाइट मास्टर पर बंदूक ताने नजर आ रहे हैं। साल भर से बन रही जबरिया जोड़ी का प्रचार शुरू, अगले हफ्ते आ सकता है ट्रेलर। दंगल गर्ल जायरा वसीम का फैसला, धर्म को की वजह बताकर बॉलीवुड से कहा अलविदा। दबंग 3 में विनोद खन्ना का रोल मिला उनके ही भाई को। सलमान ने अपने फिल्मी पिता प्रमोद खन्ना को इंट्रोड्यूस करने वाला एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। प्रियंका चोपड़ा ने जेठ की शादी में पहनी पिंक साड़ी, इंडियन लुक में बिखेरा जलवा। बिग बॉस के लिए पिछले साल सलमान खान ने हर एपिसोड के 12 से 14 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। बताया जा रहा है कि इस बार हर हफ्ते के 31 करोड़ रुपए लेंगे। इस हिसाब से इस बार सलमान खान को लगभग पूरे बिग बॉस को होस्ट करने के लगभग 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ सीरियल कहां हम सोनाक्षी का किरदार निभा रहे हैं। इस शो में दीपिका के अलग अलग आउटफिट्स को काफी पसंद किया जा रहा है। सोनम कपूर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक हैं। वे अपने स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं। लव बर्ड्स मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर न्यूयॉर्क में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मलाइका अपने वेकेशन से लगातार फोटो शेयर कर रही है।